दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोरिल्ला इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद भी पक्षियों की तरह पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना क्यों पसंद करते हैं, जिसमें वह पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं और पत्तों का इस्तेमाल करके अपने घोंसले को तैयार करते हैं। हालांकि शुरुआत में यह जमीन पर ही सोते हैं, लेकिन जब इनके पैदा हुए बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यह घोंसलों के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर गोरिल्ला एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने हाथों के इशारों को समझते हैं और दूसरे गोरिल्ले के चेहरे के हाव भाव को पढ़कर ही उनसे बातें कर लेते हैं, जिनको कई बार इशारों में बातें करते हुए भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि जब यह जानवर आपस में संबंध बनाते हैं तो क्यों मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला को थप्पड़ मारती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो शायद ही आपने कभी गोरिल्ला देखा होगा, क्योंकि गोरिल्ला मुख्य तौर पर अफ्रीका के जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जिनको दो प्रजातियों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला शामिल है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब यह दोनों प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है, क्योंकि जंगल में मौजूद दूसरे जानवरों और इंसानों के द्वारा इनका काफी मात्रा में शिकार किया गया है। साथ ही दोस्तों, इस धरती पर यह एकमात्र ऐसा इकलौता जानवर है जो मनुष्य के काफी निकटतम रिश्तेदार माना जाता है, क्योंकि इसकी हरकतें मनुष्य से काफी मिलती जुलती है और गोरिल्ला का डीएनए भी तकरीबन 99% मनुष्य के समान ही होता है। 2018 में एक अध्ययन से पता चला था कि 61% गोरिल्ला इंसानों की तरह चलने के लिए केवल अपने दो पैरों का इस्तेमाल करते थे। वहीं दोस्तों, अगर इनके वजन की बात की जाए तो नर गोरिल्ला का वजन 136 से 195 किलोग्राम होता है, जबकि मादा गोरिल्ला का वजन आमतौर पर 68 से 113 किलोग्राम के आसपास होता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य की तरह ही गोरिल्ला की उंगलियों के भी प्रिंट होते हैं। गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है जो फल, फूल, पत्ते और रसीली वनस्पति व पेड़ पौधों पर अपना भोजन करते हैं, और यही कारण है कि गोरिल्ला को शायद ही कभी आपने पानी पीते हुए देखा होगा, क्योंकि यह अपने शरीर के अंदर अपनी पानी की पूर्ति अपने भोजन से ही कर लेता है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर यह जानवर आपस में संबंध कैसे बनाते हैं, जिसमें एक बहुत ही अजीब सी हरकत देखने को मिलती है, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह सकते हैं। होता यूं है कि जब मादा गोरिल्ला को संबंध बनाने की इच्छा होती है तो वह नर को अपने पास बुलाने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में स्पर्श करती है, और इसके बाद अगर नर गोरिल्ला इसका जवाब नहीं देता है तो मादा उसके पास पहुंचकर उसको थप्पड़ मार देती है। इसलिए नर गोरिल्ला को मजबूरन मादा के पास जाकर आपस में संबंध बनाना पड़ता है, जिसके बाद मादा एक महिला की तरह 9 महीने तक गर्भवती रहती है और फिर उसके बाद एक नन्हे गोरिल्ला को जन्म देती है, जो लगभग 5 महीने तक अपनी माँ के संपर्क में रहता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मादा गोरिल्ला अपने इस बच्चे से संपर्क तोड़ने लगती है, और तकरीबन 30 महीनों के बाद यह अपने इस बच्चे से पूरी तरह से अलग हो जाती है। वैसे तो जंगल में रहते हुए एक गोरिल्ला का जीवन काल आमतौर पर 35 से 40 साल का होता है, लेकिन चिड़ियाघर में यह 50 साल या फिर उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि कोलंबस के एक चिड़ियाघर में एक गोरिल्ला की मृत्यु 60 साल की आयु में हुई थी और वह सबसे पुरानी गोरिल्ला थी। साथ ही दोस्तों, गोरिल्ला एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। हालांकि गोरिल्ला इंसानों के जैसे बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर इंसानों के जैसी भावनाएं होती है, इंसानों के जैसे हंस सकते हैं और रो भी सकते हैं। गोरिल्ला के बुद्धिमत्ता के प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिले हैं, जिसमें सितंबर 2005 के दौरान एक पार्क में मादा गोरिल्ला को एक छड़ी का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड किया गया था, जिसका प्रयोग वह दलदल को पार करते समय पानी की गहराई मापने के लिए कर रही थी। वहीं दोस्तों, अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो नर गोरिल्ला की लंबाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है, जबकि मादा की लंबाई नर से कम होती है, जिसमें गोरिल्ला के मुंह में मनुष्य की तरह ही 32 दांत होते हैं। इनके शरीर पर बालों का रंग इनकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। ज्यादातर गोरिल्ला के बाल भूरे कलर के होते हैं, लेकिन इनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके शरीर के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, गोरिल्ला काफ़ी शांत स्वभाव का जानवर होता है, लेकिन इनके समूह पर आक्रमण होने पर यह अशांत हो जाता है, जिस समय यह किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि गोरिल्ला एक बहुत ही चतुर और होशियार जानवर होता है, जो किसी भी औजार का उपयोग करना जानता है, और गोरिल्ला को अगर किसी भी चीज़ के बारे में सिखाया जाता है तो यह उस चीज़ को बड़ी ही जल्दी सीख जाता है। दोस्तों, गोरिल्ला के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।